श्रीलंका की वाट लगाने के लिए भारतीय टीम में लौटा शाहीन अफरीदी का भी बाप। जी हाँ दोस्तों, कौन है ये खिलाड़ी बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले, अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन और चाहते हैं कि पहले ही T20 मुकाबले में भारतीय टीम श्रीलंका को पटकनी दे, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला T20 मुकाबला 24 फरवरी यानी गुरुवार को खेला जाएगा। दोस्तों आपको बता दे कि भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को हाल ही में T20 सीरीज में मात दी है, जिसके बाद भारतीय टीम के हौसले काफी बुलंद है और भारतीय टीम पहले ही T20 मुकाबले में श्रीलंका को हरा कर सीरीज में बढ़त बनाना चाहेगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय टीम में एक ऐसा गेंदबाज लौटाया है जिसे हर कोई शाहीन अफरीदी का भी बाप बता रहा है। आपको बता दें कि काबिलियत के अंदर वो शाहीन अफरीदी से भी काफी नाक खिलाड़ी है। साथ ही इस खिलाड़ी की कई महीनों के बाद भारतीय टीम में एंट्री होने जा रही है। इस खिलाड़ी का नाम सुनने के बाद से ही श्रीलंका की टीम काफी घबरा गई है, क्योंकि श्रीलंका की टीम इस गेंदबाज को अच्छे तरीके से जानती है कि ये गेंदबाज अगर प्लेइंग 11 में होगा तो उनकी हार फिर पक्की है। ऐसे में दोस्तों इस खिलाड़ी के एंट्री होने के बाद टीम इंडिया और भी मजबूत नजर आ रही है। दोस्तों ये गेंदबाज कोई और नहीं बल्कि उमरान मलिक है। दोस्तों IPL 2022 में हैदराबाद की ओर से खेलते हुए उमरान मलिक ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा था। दोस्तों आपको बता दें कि उमरान मलिक के पास तेज गति से गेंद डालने की कला है, जिससे कि वो विरोधी बल्लेबाजों के नाक में दम कर सकते हैं। आपको बता दें कि उमरान मलिक ने IPL 2021 में सबसे तेज गेंद डालकर सभी को चकित कर दिया था। ऐसे में इस खिलाड़ी को पहले T20 मुकाबले की प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है। तो दोस्तों इस पर आप भी अपनी राय जरूर दें कि इस खिलाड़ी को श्रीलंका के खिलाफ होने वाले पहले T20 मुकाबले की प्लेइंग 11 में शामिल करना चाहिए या नहीं, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।